लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे 50 दिनों से भी ज्यादा समय से अंतरिक्ष में फंसी हैं सुनीता विलियम्स। घटने लगी है उनकी बोन डेंसिटी और मसल मास। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम पिछले 50 दिनों से भी ज्यादा अंतरिक्ष में फंसी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह से उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है। सुनीता का स्पेस में जाने का मिशन केवल 10 दिनों का था, लेकिन अब उन्हें लगभग 2 महीने होने वाले हैं। तब से वो अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। लंबे समय तक अंतरिक्ष में फंसे रहने से उनकी सेहत पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। इस कारण उनकी हड्डियों में से कैल्शियम झड़ रहा है। हालांकि इससे पहले भी लोग लंबे समय के लिए अंतरिक्ष में जा चुके हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा द्वारा दिए गए आधिकारिक बयान के मुताबिक फिलहाल सुनीता विलियम्स और उनके साथी बिच बिलमोर का स्पेस खतरे से बाहर है। इसके लिए नासा ने ISS से CST 100 स्टार लाइनर को धरती पर लौटाने के लिए 18 अगस्त की बात कही है। बता दें कि दोनों यात्री अंतरिक्ष के लिए 5 जून को रवाना हुए थे। अंतरिक्ष में लंबे समय तक फंसे रहने के वजह से सुनीता विलियम की बोन डेंसिटी कम होने लगी है। इसके चलते उनका मसल मास भी घटने लगा है। नासा के मुताबिक अंतरिक्ष में माइक्रो ग्रेविटी बहुत कम होने की वजह से शरीर के नीचे मौजूद फ्लूइड कई बार सर तक आ जाता है, जिससे आंखों पर दबाव पड़ता है और देखने में भी कठिनाई हो सकती है। ग्रेविटी कम होने के कारण कई बार मांसपेशियां और हड्डियों में खोखलापन या कुछ नहीं रहने जैसा महसूस हो सकता है। इस कारण व्यक्ति की बोन डेंसिटी का बुरा असर पड़ सकता है, जिससे कुछ मामलों में मसल मास भी हो सकता है। इससे सार्कोपेनिया भी हो सकता है। स्पेस में कई बार स्थिति और हानिकारक हो सकती है। बोन डेंसिटी बढ़ाने के तरीके। बोन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए डाइट में सब्जियों का ज्यादा शामिल करें। इसके लिए नियमित तौर पर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एक्सरसाइज करते रहें। इसे बढ़ाने के लिए आपको कैल्शियम, विटामिन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से भरपूर फूड्स खाने चाहिए। इसके साथ ही एक हेल्दी वेट मेंटेन करके रखें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।